हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज एक बार फिर हम कक्षा 8 की चित्रकला, जिसका नाम है कला सेतु, उसका पहला चैप्टर हल करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है हमारा पेंसिल और उसका प्रयोग। तो पहले चैप्टर के अंदर जो पहली वीडियो में हमने किया था वो ये पोर्शन था। आज की वीडियो के अंदर हम शेडिंग की अलग अलग टेक्निक सीखेंगे, ग्रेडेशन की अलग अलग टेक्निक हमने सीखनी है। और उन टेक्निक के अंदर जो पहली टेक्निक होगी वो है समझिंग, दूसरी टेक्निक है दिशात्मक विधि। इन दोनों विधियों को आज हमने जानना है। कुछ विधियां और हैं इस बुक के अंदर, जैसे अगले पेज पर हम चले तो हैचिंग और क्रॉस हैचिंग विधि आएगी। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो स्क्रिबलिंग और स्टीपलिंग, ये दो विधियां और हैं। एक चीज और है जिसको बोलते हैं ग्रेडेशन का जादू। यहाँ पर यह आपको बताता है कि किस प्रकार से हम पेंसिल को दबाव डालकर डार्क चला सकते हैं, और जो जो पेंसिल पर हाथ का दबाव कम करेंगे तो वो लाइट होती जाएगी और लास्ट में हम बिल्कुल हल्की सी पेंसिल चला सकते हैं। तो अभ्यास के लिए ये पोर्शन दिया गया है। ये चीजें सिक्स क्लास में भी है, सेवंथ क्लास में भी है, बस चित्र अलग अलग है उनके। अब इसका प्रयोग हम आज की जो वीडियो है जिसके अंदर हम अलग अलग विधियां सीखेंगे, तो सबसे पहली विधि समझिंग है। तो इसके अंदर हम ग्रेडेशन का जादू देखेंगे। इसके अलावा सिक्स क्लास के बच्चों के लिए एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर ये चार अलग अलग टेक्निक मैंने सिखाई थी, समझिंग, स्टीपलिंग, हैचिंग और क्रॉस हैचिंग। ये चारों विधि एट्थ क्लास के अंदर एक बार फिर है, सिर्फ ऑब्जेक्ट अलग है। आज की वीडियो में हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इसके अंदर बुक के अंदर दिखा रखा है, एक आंख का चित्र है और ये कुछ लहरें हैं जो डायरेक्शनल विधि द्वारा है। तो ये जो चित्र है इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। मैं समझिंग विधि आपको बताऊंगा पर एक अलग ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इसको बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आंख का चित्र हम आज इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अलग से एक चैप्टर आएगा हमारा मानव चित्रण, उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी और वैसे भी मैं इन चीजों की वीडियो बना चुका हूं। तो आज जो हम चित्र बनाएंगे वो सिंपल, जो हमने अलग अलग प्रैक्टिस की है लाइनों की, आपने जरूर प्रैक्टिस की होगी सिक्स्थ क्लास के अंदर, तो उसके अनुसार हम कुछ लाइनें खींचेंगे और उस ऑब्जेक्ट को 3D रूप देंगे। ये जो पहली विधि है समझिंग, समझिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, चीजों को मिक्स करना, यानी कि जो भी हम शेडिंग के लिए लाइनें खींचेंगे उनको किसी तरह से हमने मिक्स करना है, वही विधि समझिंग विधि है। यहां पर हमने दो लाइनें खींच ली, दो लाइनें ये दोनों समानांतर हैं। अब दो लाइनें मैं और खींच लेता हूं इसके ऊपर और नीचे। इस प्रकार से ये जो आकृति है ये एक आयत हमारी बन चुकी है। अब इसके ऊपर ऊपर जो हमने लाइन खींची थी हमने प्रैक्टिस की होगी ओवल शेप की, अंडाकार आकृति के लिए भी, तो यहां मैं ऊपर एक ओवल शेप बना देता हूं। और ऐसे ही नीचे अब जब हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे तो कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, हाईलाइट एरिया हमने देखना होता है। हाईलाइट एरिया का मतलब वो एरिया होता है जहां पर सबसे ज्यादा लाइट पड़ती है, यानी कि वो हिस्सा अलग से चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे इस पेंसिल को अगर आप देखोगे तो अगर मैं इस तरह से करता हूं तो ये जो हिस्सा है ये सबसे ज्यादा चमकीला हिस्सा है, इसको हम बिल्कुल लाइट रखेंगे जब हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह का चमकीला हिस्सा एक जगह भी हो सकता है और एक से ज्यादा जगह भी हो सकता है। तो यहां पर हम एक हाईलाइट एरिया रखेंगे, उसके बाद एक रिफ्लेक्शन का एरिया हमने रखना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, यानी कि लाइट जमीन से टकराई, टकराकर परावर्तित होगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट जमीन से टकराकर परावर्तित होती है तो वो इस ऑब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं टकराती है। तो ऑब्जेक्ट का वो हिस्सा जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट टकराती है वो थोड़ा सा चमकीला होता है। ऑब्जेक्ट का जो बाकी एरिया होगा इन दोनों चीजों को छोड़कर, यानी कि हाईलाइट एरिया को छोड़कर और रिफ्लेक्टेड एरिया को छोड़कर, वहां पर शेडिंग की चार चीजें हमने अपनानी है। सबसे पहले हम हल्की शेडिंग करेंगे, हल्की शेडिंग करने के बाद जो शेडिंग होगी वो थोड़ी सी डार्क होगी, उसके बाद और डार्क होगी, और जो सबसे लास्ट में होगी वो सबसे ज्यादा डार्क होगी। तो इन चार चीजों को हमने फिर अपनाना है, लाइट, थोड़ी सी डार्क, और डार्क, और सबसे ज्यादा डार्क, और ये बिल्कुल सफेद होगी, और ये जो रिफ्लेक्टेड एरिया है वो इनके बीच का होगा, यानी कि लाइट से थोड़ा सा डार्क
और बिल्कुल डार्क से कम। अब सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इस हाईलाइट एरिया को चिन्हित कर लेते हैं। मान लेते हैं कि क्योंकि ये हमारे सामने नहीं रखा, सिर्फ हम ज़ूम करते हैं कि लाइट इधर से आई है, तो हाईलाइट एरिया कुछ यहाँ है। वो हाईलाइट एरिया जो है वो एक लाइन के रूप में भी हो सकता है, एक सर्कल के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में आपको दिखाई दे सकता है। रिफ्लेक्टेड एरिया, अब यहाँ पर जमीन है तो जमीन के आसपास यहाँ कुछ होगा, और ये जो हिस्सा है इसको भी हमने समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेटिंग स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये हिस्सा तो बिल्कुल चमकीला है, तो इससे जब हम इधर या इधर आएंगे तो लाइट सेटिंग का ये जो पैटर्न है ये हमने अपनाना है, लाइट डार्क सबसे ज्यादा डार्क। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इधर का हिस्सा लाइट होगा, ज्यादा डार्क नहीं होगा। ऐसे ही जब हम इस तरफ चलेंगे तो पहले लाइट, फिर डार्क, और ज्यादा डार्क, और सबसे डार्क। ये मैं लाइट शेडिंग कर रहा हूं। इसके बाद पेंसिल पर जितना दबाव डालेंगे पेंसिल उतनी डार्क होती जाएगी। अब ये और ज्यादा डार्क है। अब मैं दोबारा से इसको लाइट करना स्टार्ट करूंगा, जो जो पीछे जाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टेड एरिया हमारा यहाँ पर आएगा, वो हम थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। ये जो लाइन है पीछे की ये हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि पारदर्शी नहीं है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो इस लाइन को हम इरेज कर देंगे। अब इसके बाद इसी पैटर्न को हमने ध्यान में रखना है। हालांकि सेटिंग की सारी टेक्निक दूसरे चैप्टर में हमारी आएगी, जिसके अंदर हमने आकृतियों के बारे में जानना है, परंतु क्योंकि यहाँ पर हमने सेटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो अच्छे से करनी है, दूसरे चैप्टर में हम इनको फिर रिवाइज करेंगे। सेटिंग की जिस विधि का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं वो विधि समजिंग विधि है। समजिंग का मतलब होता है मिक्सिंग करना। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर वस्तु चित्रण की मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे, जिसके अंदर कप है, गिलास है, पुस्तक है, और भी बहुत सारे वीडियो हैं। उस सब के अंदर ज़्यादातर जो सेटिंग मैंने की है वो समजिंग विधि से ही की है। इसके अलावा कुछ वीडियोस क्रॉस हैचिंग विधि से भी मैंने की है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब नीचे सेटिंग करने के बाद इस ऑब्जेक्ट का ये जो हिस्सा है इसके बारे में दो बातें हैं। पहली तो ये कि ये ऊपर से कवर्ड एरिया है, यानी कि ढका हुआ है। दूसरा ये हो सकता है कि ये ऊपर से खाली हो। अगर खाली एरिया है और लाइट हमारे इस तरफ से आई है तो इसका ये जो अंदर का हिस्सा है ये डार्क होगा और इधर का हिस्सा लाइट होगा। तो उसी चीज का हमने ध्यान रखना है। इधर का हिस्सा हम थोड़ा सा अंदर की तरफ का डार्क करते हुए चलेंगे, और जो जो आगे चलेंगे हमारी पेंसिल पर हाथ का प्रेशर कम होता जाएगा और वो चीजें लाइट होती जाएगी। अब बाहर का ये जो पोर्शन है ये ज्यादा डार्क होगा अंदर के पोर्शन की बजाय, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो टेक्निक अपनाई है वो इसी अनुसार है। ये हाइलाइटेड एरिया है, ये रिफ्लेक्टेड एरिया है। इसके बाद जो शेडिंग टेक्निक अपनाई है उसके अंदर सबसे पहले लाइट शेडिंग, फिर डार्क करते हुए आए, और सबसे ज्यादा डार्क यहाँ पर है। उसके बाद फिर लाइट होगी क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एरिया आपका आएगा। अब इसके बाद हम इसकी परछाई बनाते हैं नीचे। अब क्योंकि ये बिल्कुल सीधा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसकी जो परछाई की लाइनें हैं वो भी सीधी ही जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इनको खींचना है, क्योंकि बाद में इन लाइनों को हमने शेडिंग के अंदर मिक्स करना है। परछाई के लिए जो इसके बिल्कुल नीचे साथ लगता एरिया होगा ये डार्क होगा, और जो जो हम इससे दूर जाएंगे ऑब्जेक्ट से वो एरिया लाइट होता जाएगा। तो ये ग्रेडेशन टेक्निक ही है, डार्क से लाइट की तरफ हम जा रहे हैं, तो पहले डार्क और फिर लाइट। शेडिंग करते वक्त जो ड्राइंग है ऑब्जेक्ट की उसका हमने ध्यान रखना है, उसको खराब नहीं होने देना। शेडिंग करते वक्त जितनी भी लाइनें हमारी चलती हैं पेंसिल से, इन लाइनों को एक दूसरे के साथ मिक्स हमने करना है, तभी ये समजिंग टेक्निक होगी। अगर ये पेंसिल से ही मिक्स हो जाता है तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं हो पाता तो आप उंगली से, कपड़े से, या फिर किसी कागज से भी कर सकते हैं, या फिर इनको मिक्स करने के लिए अलग से भी चीजें आती हैं बाजार के अंदर आप लोगे तो। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को हम 3D रूप दे सकते हैं शेडिंग के द्वारा, ग्रेडेशन के द्वारा। और ये जो टेक्निक है इसके बारे में तो आप जान ही चुके होंगे, ये टेक्निक है हमारी समझिंग। इसके बाद जो अलग से दूसरी टेक्निक है हमारी, वो टेक्निक है यहाँ पर
जिसका नाम है डायरेक्शनल। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि लाइनें ही चलानी है, बस उस लाइनों को एक दिशा देनी है, इसलिए इस विधि को डायरेक्शन विधि बोला गया है। तो इस विधि के द्वारा हम यहाँ पर आप देख सकते हैं समुद्र की लहरें बना सकते हैं, या फिर इस चित्र के अंदर भी ये डायरेक्शन विधि प्रयोग की गई है। यहाँ पर अगर आंख के आप बाल देखोगे तो ये वाले या फिर ये डायरेक्शन विधि द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके अलावा घास भी आप डायरेक्शन विधि से बना सकते हो, ये दोनों चीजें तो आप इसके अंदर देख ही सकते हैं। अगर हम घास बनाएं तो जैसे यहाँ पर ये हमारे पास जगह है, ये जमीन है, जमीन के ऊपर अगर हम घास बनाते हैं इस प्रकार से, तो ये डायरेक्शन विधि ही है। हमने अपनी लाइनों को एक दिशा देनी है, वो डायरेक्शन विधि हो जाती है। या फिर इसके अलावा किसी इंसान का अगर हम चित्र बनाते हैं और उसके सिर के हमने बाल बनाते हैं, उसकी लटे हमने बनानी है और उसको हमने कोई दिशा देनी है, तो कुछ इसी प्रकार से होती है, ये डायरेक्शनल विधि ही कहलाएगी। अगर हम इस प्रकार से दिशा देते हैं तो इसको दिशात्मक विधि या फिर डायरेक्शनल मेथड बोल देते हैं। अब आपका काम ये है कि कोई भी अलग अलग ऑब्जेक्ट आप बनाइए, कोई भी बुक उठाइए, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट आपको नजर आए उसको बनाइए, उसके अंदर शेडिंग कीजिए, बस ये आपके लिए काम है। सिर्फ वीडियो देखने से आपको ड्राइंग नहीं आएगी, ड्राइंग तभी आएगी जब आप इन अलग अलग विधियों की प्रैक्टिस करोगे। अगली वीडियो में हम हैचिंग की बात करेंगे, हैचिंग कैसे की जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।